हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि मैंने व्लॉग डाला था अभी एक ताजमहल वाला, तो मैंने उसमें बताया था, एक बात बताई थी मैंने कि मुझे रात में नींद नहीं आती है। इसका कारण है कि अगर मेरे दिमाग में जो आइडिया है उसे मैं एग्जीक्यूट ना करूँ, उसके बारे में वीडियोस ना बनाऊँ, या फिर उसे कुल मिलाकर है कि मैं एक्सप्रेस ना करूँ, तो वो दिमाग में जो आइडिया है वो मुझे सोने नहीं देता है। अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था रात के 2 बज रहे थे, उसी रात की बात है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मैंने 7 दिन कैसे स्पेंड किए मात्र 2200 रुपये में, वो भी ऋषिकेश और हरिद्वार में मैंने जब ट्रैवल किया था। ये मेरे पहले व्लॉग की सीरीज़ है, यही वाली टी शर्ट पहनने की थी। शायद 1 साल हो गई है इस बात, 1 से 1.25 साल हो गई, यानी कि अगस्त में की थी मैंने स्टार्ट। एंड बेसिकली आई एम वेरी गुड एट मतलब डेट्स के साथ मैं काफ़ी गुड रहता हूँ, मतलब अच्छे आऊँ मैं। मुझे जो है तारीख बहुत अच्छी तरीके से याद रहती हैं, ठीक है, मैं तारीख नहीं भूलता हूँ। तो मैंने जो तारीख मतलब अपनी जो स्टार्ट की थी, अपनी जो ट्रैवल स्टार्ट किया था सबसे पहला, वो ऋषिकेश और हरिद्वार से किया था मैंने। मैंने 24 तारीख को ट्रेन पकड़ी थी एंड उसके बाद मैंने अपना सफर स्टार्ट किया था हरिद्वार ऋषिकेश का। मेरी जेब में मात्र 2200 रुपये थे उस समय पर जब मैंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था, ठीक है। और मेरा जो मैंने टिकट करवाई थी वो 7 दिन बाद की करवाई थी, लेकिन मुझे वो नहीं पता था कि मेरे 2200 रुपये में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। किस तरीके से मैंने किया वो सभी जानकारी देने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में, ठीक है। मेरा ट्रेन का क्या खर्चा आया, मेरा रहने का क्या खर्चा आया, खाने का क्या खर्चा आया, मोटा मोटा जो है 2200 में मैंने पॉसिबल कैसे करके दिखाया कि 7 दिन में कर दिया। ये चीज़ मैंने अभी तक मैंने शेयर नहीं की है, लेकिन अभी मैंने जो एक सीरीज़ स्टार्ट की है और ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। हमारी सीरीज है स्टोरी विद पचौरी, यानी कि स्टोरी विद पचौरी। इस सीरीज़ में हम जो है अपनी स्टोरी शेयर किया करेंगे। मेरी जो ट्रैवल के दौरान कुछ स्टोरीज बनती हैं, मेमोरीज बनती है बेसिकली, जिन्हें हम कैमरे के ऑन कैमरा शेयर नहीं कर पाते हैं किसी सिचुएशन के कारण, या कभी कभी नहीं करते हैं, तो उन्हें मैं इन स्टोरीज़ के माध्यम से आपके साथ में शेयर किया करूँगा। इसके साथ साथ हमारे जो है इस चैनल पर ट्रैवल रिलेटेड तो खैर कंटेंट थोड़ा कम हो गया है, लेकिन करेंगे कंटिन्यू। थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है, अगर मदद करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी मैं किसी तरीके की बाकी मदद नहीं मांगता हूँ, जिस तरीके से और भी यूट्यूबर्स करते हैं कि अपने UPI उन सब चीज़ों की लिंक दे देते हैं। लेकिन यार देखो, हम आपको हमारा काम है केवल आपको एंटरटेन करना एंड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसी के भी हाथ पे जो हमें यूट्यूब दे रहा है उससे ही हम सेटिस्फाई हैं। सो क्या इस तरीके से ई बैगिंग करना, मतलब लोगों से अपने लिए मांगना, अगर मैं ट्रैवल कर रहा होता तो मैं सपोर्ट के लिए भी बोलता भी, लेकिन अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ, ठीक है। जितना यूट्यूब दे रहा है उतने में मेरा काम चल रहा है, सो चलने दो इससे अच्छा और क्या। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा और वन बाय वन लेकर चलता हूँ। पहले तो तीनों चीज़ें जो ट्रैवल के दौरान 3 चीज़ मेन होती हैं, पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा अकोमोडेशन यानी कि कहाँ पर स्टे करना है, एंड तीसरा है फूड का। ये 3 जो है आपकी सबसे मेन रहती हैं ट्रैवल के दौरान। आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, कहीं भी टूर करते हैं, ये चीज़ रहती है। तो ये मैंने तीनों आखिर कवर कैसे की वो सभी बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में। आज मैं थोड़ा सा एक्साइटेड लग रहा हूँ क्योंकि अभी अभी ब्लॉग पोस्ट किया है ताजमहल वाला। सो आइडिया एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो दिमाग खाली हो जाता है, तो फिर आराम से नींद आ जाती है यार, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है रात में सोने में, हालत दिमाग में चलते रहता है, घूमते रहता है आड़ा। चलो तो वन बाय वन मारते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन की, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना आया वो बात कर लेते हैं। मैंने जो है अपना सफर स्टार्ट किया था 24 तारीख में, 24 अगस्त 2021 में मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। मैंने अपनी टिकट कर ली थी मसूरी एक्सप्रेस में, ट्रेन का नंबर 14041 यानी 14041 ट्रेन का नंबर है। और इसमें जो मैंने अपनी टिकट करवाई थी वो सेकंड सीटिंग कोच में करवाई थी। सेकंड सीटिंग कोच वैसा होता है कि यानी कि आपको बैठने के लिए सीट मिल जाती है, लेकिन आपका रिजर्वेशन रहता है। ये सबसे बड़ी बात रहती है कि आपके पास टिकट रहता है और आपके पास रिजर्वेशन रहता है कि आप आराम से बैठ के जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में इस ट्रेन में जो है सेकंड सीटिंग के कोच की जो बुकिंग है वो बंद कर रखी है, ऑनलाइन नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको ऑफलाइन मिल जाता है तो आप ऑफलाइन ट्राई कर सकते हैं। ये मसूरी एक्सप्रेस जो है वो पुरानी दिल्ली से देहरादून तक चलती है, देहरादून टर्मिनल तक चलती है। और इसका जो मेरा टिकट का प्राइस पड़ा था वो पड़ा था मात्र 110 रुपये का, क्योंकि उस समय पर सस्ती थी, लेकिन अभी के समय में जो है प्राइस बढ़ चुके हैं। 110 रुपये का मुझे टिकट का प्राइस पड़ा था। तो ये हो गया मेरा पहले ट्रेन का, ठीक है। मैं हरिद्वार पहुँचा सुबह, रात में मैंने ये जो ट्रेन थी गाजियाबाद पहुँची थी, यानी कि वहाँ से लेट चलती है थोड़ा, रात में चलती है ये, रात की ट्रेन है, ओवरनाइट ट्रेन है, मतलब ओवरनाइट ही मान लो पूरी रात चली जाती है इसमें। ये ट्रेन पकड़ी थी मैंने गाजियाबाद से, जिसका टाइम जो है 11:18 का, लेकिन ये लेट आई थी आधे घंटे, तो 11:48 बज गए थे, यानी कि 11:48 हो गई थी जब मैंने ट्रेन पकड़ी थी, ठीक है। तो मैं ट्रेन में बैठ गया एंड उसके बाद मुझे जो है जो सामान रखते हैं ना वहाँ पर हल्की सी लेटने की जगह मिल गई मुझे, लेकिन फिर उसके बाद फिर जो है क्या बोलते हैं वो आदमी जो है टॉयलेट करने गया हुआ था वॉशरूम में, तो
तो इस चक्कर फिर वापसी आया था, फिर मुझे वहाँ से उतार दिया और मुझे नीचे बैठना पड़ा। मतलब जो मेरी बैठने की सीट थी ना वो मैंने विंडो साइड करवा ली थी, क्योंकि उस समय पे मौसम इतना ठंडा तो था नहीं कि हमें ठंड लगेगी, और मैंने ये टी शर्ट ही पहन रखी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कि चलो बैठ जाते हैं, और बैठ के बैठे 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 हल्की बहुत ही मेरे को रात में 12 से 1 बजे के बीच में इतनी ही नींद आई, उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई पूरी रात। तो ये था मेरा टिकट का, ठीक है। उसके बाद करते हैं, मैं हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने हर की बोड़ी तक कोई ऑटो या रिक्शा कुछ नहीं लिया, मैं डायरेक्ट पैदल ही गया। 3 किलोमीटर पड़ता है टोटल ये जो घाट है हरिद्वार से, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी घाट 3 किलोमीटर पड़ता है, ये मैंने पैदल किया। उसके बाद मैंने मनसा देवी और चंडी देवी की यात्रा की, ये भी मैंने पूरी पैदल की, यानी कि मैं पैदल ही मनसा देवी की चढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं पैदल उतर के चंडी देवी तक गया चलता हुआ, एंड उसके बाद फिर मैंने चलते हुए ही चंडी देवी की। ये थी मेरी ट्रांसपोर्टेशन की। उसके बाद जो मेरी दूसरी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगी, वो मेरी लगी जब मैं हरिद्वार से ऋषिकेश गया। तो ऋषिकेश तक जो किराया जो था ना, वो टेम्पू चलते हैं, यानी कि ऑटो चलते हैं, जिनका ऑटो वैसे वाले नहीं जैसे मुंबई या दिल्ली में चलते वैसे वाले ऑटो नहीं, उनके ऑटो बड़े वाले होते हैं, टेम्पू बोलते हैं उन्हें। तो बड़े वाले टेम्पू चल रहे थे, तो उसमें जो अगर आप टैक्सी करवाते तो उसका अलग ही कॉस्ट होती है, उसको मुझे पता नहीं है। मैंने जो किया था वो शेयरिंग ऑटो था, शेयरिंग टेम्पू था, उसमें मैं जो मेरी कॉस्ट पड़ी हरिद्वार से ऋषिकेश जाने की वो मात्र 50 रुपये पड़ी। तो 50 रुपये में मैं उसमें बैठा, अभी तो 60 रुपये हो गया फिलहाल, अभी 70 रुपये हो गया 2022 में, तो जब हम गए थे सब 60 रुपये था, 70 रुपये हो गया। तो दूसरी मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यही थी जो मैं हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचा, जिसकी मुझे आई मात्र 50 रुपये। उसके बाद जो मेरी अगली थी हरिद्वार में ऋषिकेश में उसने छोड़ा था हाँ मुझे त्रिवेणी घाट के पास, बेसिकली वहीं छोड़ता है, उसके बाद जो है दूसरे ऑटो लेने पड़ते हैं। अगर आपको रामझूला के पास या लक्ष्मण झूला के पास छोड़ देते तो बहुत भला होगा वो आदमी जो छोड़ देगा, लेकिन मुझे छोड़ दिया था त्रिवेणी घाट के पास, तो मुझे पता नहीं था। लेकिन त्रिवेणी घाट से फिर मैं पैदल पैदल चलते हुए ही अपने उसमें गया हॉस्टल में। तो इसी के साथ साथ ही हमारा अगला सेगमेंट आ जाता है, वो है एकोमोडेशन का, यानी स्टे का आपका कितना खर्चा आता है वो पता कर लेता हूँ मैं। एकोमोडेशन का कितना खर्चा आने वाला है, यानी कि स्टे का आपका कितना खर्चा आने वाला है हरिद्वार और ऋषिकेश। मेरा कितना खर्चा आया था वो तो आपका तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा कितना आया था, मेरा फैमिली के साथ में कितना बजट बना था, कितने में हमने फैमिली में कर लिया था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे एक और किसी वीडियो में, ठीक है। अभी अगर उसको चाहते हो वीडियो कि मैं 1-2 दिन में डाल दूं तो लिंक मतलब कमेंट कर देना मुझे, मैं बता दूंगा। तो हरिद्वार में तो मैंने खैर स्टे अपना नहीं लिया था, लेकिन क्या था कि मैं 24 तारीख में बात करता हूं कैसे कैसे 25 तारीख में मैं सुबह पहुंचा। तो पूरे दिन मैंने घूमा, घूमने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, और अगस्त में जो है उस समय पे बारिश का मौसम रहता है, तो हमें घाट के किनारे तो कहीं सो नहीं सकता था, और कहीं मेरे को जाने का भी वो जगह भी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने धर्मशाला ले ली, धर्मशाला में जो है उसने सेवा के रूप में मात्र मेरे से 100 रुपये लिए, मुझे सोने की व्यवस्था दे दी और मैं सो गया। एक रात मेरी ऐसे कटी, मात्र 100 रुपये मेरा खर्चा आया हरिद्वार में। हरिद्वार में मैंने केवल एक ही रात स्पेंड की थी, और यानी कि दो दिन एक रात स्पेंड की थी मैंने हरिद्वार में। उसके बाद मैं अगले दिन ही घूम घाम के, क्योंकि हरिद्वार में इतना कुछ है नहीं देखने के लिए, ऋषिकेश में टाइम बिताने लायक, तो मैं निकल गया ऋषिकेश के लिए। तो ऋषिकेश में जब मैं रुकाता था तो मैंने तो अपने लिए डोरमेट्री बुक कर ली थी, यानी डोरम बेड बुक कर लिया था, एक गद्दा सा मिल गया था मुझे, जो मुझे उसका जो कॉस्ट पड़ी थी वो 100 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ी थी, 26, 27, 28, 29 तारीख तक वो मैंने बुकिंग करवा ली थी, 5 दिन की बुकिंग करवा ली थी। मैं अकेला था, मेरे साथ में एक पंजाबी भाई थे जो रह रहे थे, वो मतलब थे ऋषिकेश के ही तपोवन के, उनके घर में काम चल रहा था, तो इस चक्कर में वो अकेले रहते थे अपने घर में, तो उनका घर में काम चल रहा था, इस चक्कर में वो यहाँ आकर रह रहे थे शांति में, क्योंकि वो एक योगा टीचर हैं, उनके बाद अभी मैं उनके वीडियो दिखाता हूँ, वो एक योगा टीचर हैं, तो इसी वजह से वो शांति के लिए यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है। और एक मेमोरी है वो उसके बारे में शेयर करेंगे। अब उससे पहले बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट, वो है फूड का, मेरा खाने का कितना खर्चा आया। क्योंकि देखो मैं सोने को कहीं भी सो सकता हूँ, घाट किनारे सो सकता हूँ, रह भी सकता हूँ, और चलने को तो मैंने खैर चल लिया, लेकिन तीसरी चीज़ है खाना, तो खाने बिना तो मैं जिंदा रह नहीं सकता, तो खाना तो मैंने खाया ही होगा। मेन चीज़ खाने पर अटक जाती है कि खाने का मेरा कितना खर्चा आया था। हरिद्वार में बात कर लेते हैं और ऋषिकेश में बात कर लेते हैं, ठीक है। मुझे लगा कि कहीं कहीं बोर ना हो जाओ बैठे बैठे, इसलिए मैं आ गया बाहर। और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट, वो है फूड, कि मैंने फूड कैसे मैनेज किया, वो भी टोटल बजट, मैं फूड का अलग बजट नहीं, टोटल बजट 2200 रुपये में। देखो पहले मैं बता दूँ किस किस तरीके से कितना कितना मैंने कितने रुपए खर्च किए थे खाने पे, उसके बाद तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि अपना ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन एंड फूड मोडेशन, यानी खाने के लिए तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले, मैं रात में जो है खाना लेके आया था अपने लिए हरिद्वार से, जब मैंने ट्रेन पकड़ी थी वहाँ से, गाजियाबाद से जब ट्रेन पकड़ी थी हरिद्वार के लिए, तो मैं खाना लेके आया था, और मैंने जो है हरिद्वार पहुँच गया था जब मैं, तो हरिद्वार जाके क्योंकि खाना जो है वो रात में खा के आया था, वहाँ पर जाना तो खाना ही खाना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं पहुँचा सुबह के 6 बजे
ठीक है, सुबह 6 बजे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचा, उसके बाद मैंने एक चाय पी 10 रुपए की, उसके बाद मैंने 10 रुपए की, चलो कैलकुलेट करना चाहते तो कर लो, उसके बाद जो है मैंने नाश्ता किया, क्योंकि मेरा जो है क्या रहता है मैं चाय पूरे दिन ना खाऊं, लेकिन अगर मुझे सुबह 10 बजे से या 11 बजे से पहले पहले खाना मिल गया तो मेरा काम हो जाता बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लगती है क्योंकि इस टाइम पर भूख उस समय पर उसके बाद मुझे भूख नहीं लगती दिन में कभी भी, दोपहर में या 12-1 बजे कभी खाना खाऊँ, मुझे लग रहा है ये मारेगा साला मुझे, भगो यहाँ से, इसलिए ठीक है रिस्क लेने में फ़ायदा नहीं है, मुझे देखना मारेगा, मैं लाल वैसी पहन रखा तो वो बिजार मारता मुझे क्योंकि मैंने लाल पहन रखी जर्सी, इस चक्कर में मैं भाग आया वहाँ से। और तो मेन टॉपिक पाते हैं, बात करते हैं कि खाने का मेरा कितना खर्चा आया, तो चाय का अगर कैलकुलेट करना चाहो 200 रुपये तक कर सकते हो, बाकी खाना जो मैंने लिया था वो मुझे 60 रुपये प्लेट पड़ी थी हरिद्वार में, मैंने खाया उसके बाद मैंने पूरे दिन चढ़ाई की, उसके बाद मैंने जो शाम को खाया 8 बजे वही मुझे 60 रुपये की पड़ी, यानी 120 रुपये मेरे को जो है खाने का पड़ गया हरिद्वार में। उसके बाद दूसरे दिन मैंने जो है सुबह सुबह चाय पीने के बाद, चाय क्योंकि इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चाय इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खाना खाने के चाय पीने के बाद मैं पहुँच गया ऋषिकेश, ऋषिकेश में मुझे काफ़ी सही खाना मिल गया, क्योंकि जो हरिद्वार में था वो इतना मज़ा नहीं आया खाने में, मतलब स्वाद नहीं आया, कच्ची कच्ची सी मतलब काइंड ऑफ रोटी थी तो उसमें इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन मुझे ऋषिकेश में मज़ा आ गया क्योंकि जहाँ मेरा होम स्टे था ना उसी के बाहर ही को ठेली पे, अभी तो उन्होंने खैर रेस्टोरेंट खोल लिया है तो उन्होंने भी वैसे ही खाना बनाना शुरू कर दिया जैसे सब लोग देते हैं, वैसे उन्होंने शुरू कर दिया, पहले वो ठेली पे लगाते थे और घर पे ही मतलब आंटी और अंकल दो लोग थे वो दोनों मिलकर बनाते थे, तो खाना एक नंबर बनाते थे, वो 50 रुपये प्लेट देते और खाने में लेकिन पेट भर जाता, उनके लिए वो नहीं था कि 6 रोटी मिलेंगी या 5 रोटी मिलेंगी, गिनती की जैसे रोटी मिलती है होटल में तो वैसे ही नहीं थी, तो वो 50 रुपये पर प्लेट के हिसाब से मुझे खाना मिलता था, ठीक है, तो 50 रुपये का मैं सुबह खा लिया करता 10 बजे, उसके बाद फिर मैं घूमने के बाद शाम को खाता 8 बजे, 8 या 7 बजे के आसपास ऑलमोस्ट खा लेता था मैं, ठीक है, तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से लगा लो, यानी कि 100 रुपये पर डे के हिसाब से आप लगा लो 5 दिन का, ठीक है, तो ये मेरा रहा, ठीक है। अब और बाकी मैंने कहीं और खर्च किया था वो मुझे याद नहीं आ रहा, टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना हुआ, ठीक। अरे हाँ, एक बात बताने भूल गया, जिस दिन बारिश पड़ रही थी ना तो उस दिन मैंने कुछ मंगवा लिया था अपने खाने के लिए और कुछ मैं फल फ्रूट भी लेके आया था, सो 100-200 रुपये उसमें मेरे चले गए थे। इसके साथ साथ जो है जिस दिन मैं ट्रैकिंग करके आया था जिसकी के वो हरिद्वार में, तो उस दिन मैंने तीन टाइम खाना खाया था मैंने, तो 100-200 रुपये वहाँ चले गए, टोटल जो खर्चा था वो इस तरीके से बना, ऐसे मेरा 2200 रुपये का आया, 320 हमारा ट्रांसपोर्टेशन और इसके साथ साथ 770 हमारा स्टे, टोटल स्टे दोनों जगह का, और 1100 रुपये हमारे खाने का। तो ये था मेरा टोटल बजट जो मैंने 2200 रुपये में 7 दिन किया, और मैंने मोस्टली पैदल बहुत चला, मैं जो है काफ़ी ज़्यादा पैदल चला ऋषिकेश और अपने हरिद्वार में, मैं ज़्यादा जगह तो मैं खैर घुमा नहीं लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पैदल चला, मैं बहुत जगह जगह घूम के आया, मज़ा मतलब पीस के ले गया था, मैं पहले बार ट्राई करना चाहता था कि मेरा इतने बजट में वो जो ट्रैवलिंग है या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सोलो ट्रैवलिंग थी काइंड ऑफ, पहली बार अकेले मैं बाहर निकला था घर से, मतलब किसी को बताया भी ना, मैंने घर पर बताया भी नहीं था कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैंने बता दिया था कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ जॉब के लिए, मैंने जॉब के पर्पज़ से जा रहा हूँ मैं, तो भेज दिया था इस चक्कर में, ठीक है, लेकिन मैं पहुँच गया। उसके बाद हमारा इस तरीके से कुछ सफ़र रहा 2200 रुपये में ऋषिकेश और हरिद्वार का, एंड ये थी हमारी जानकारी जो हमने आपके साथ में शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके कमेंट में अपना सजेशन या फिर सुझाव जो भी कुछ देना चाहते हो, क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो तो भी कमेंट में करो भाई, बताओ क्या कमी हम वीडियो में कर रहे हैं, और इस तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो मैं बनाऊंगा, एंड एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपना जो है शिमला का किया कम बजट में, और फैमिली के साथ में हमारा कितना बजट आया वो बताएंगे, क्योंकि इस चैनल का जो मेन पर्पस है हमारा वो ट्रैवलिंग से शुरू हुआ था, और ट्रैवलिंग पे ही हम थोड़ा बहुत लेके चलेंगे, ट्रैवलिंग को भी साथ में इन्फॉर्मेशन ब्लॉग तो हम डालेंगे साथ में ट्रैवलिंग को भी लेके चलते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन अगर उसी को ही हम अपने बजट को इन्हेंस करके लेके चलें तो हमारी जो है ट्रैवलिंग भी हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो सकती है, ठीक है, तो ये था, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, सुनो जो नया चैनल बनाया ना उसे सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और या फिर चैनल्स पर जाकर देख लेना, मिल जाएगी FL विद पचोरी है, द डेली व्लॉग्स तो मेरे उसका दोस्त का चैनल है, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत शोर मचाते यार यहाँ पे, 10-15 दिन की बात जा रही है, उसके बाद फिर मैं यहाँ से जाके अपना घर पे सेटअप कर लेंगे, वेट है घर से वीडियो रेक करेंगे, बजी अजी गी मजा नहीं आ रहा क्योंकि कस्टमर्स नहीं आ रहे, काम करने में कैसा मजा आएगा, इसलिए अपने घर पे सेट करेंगे, घर पे ही बनाए करेंगे वीडियो, इतना शोर यहाँ मच रहा है, वहाँ आपसे अच्छी तरीके से जो चीज़ एक्टिव है
जो ना उसको फोकस कर लिया जाए इन टर्म्स ऑफ जो चीज एक्टिव नहीं है उसको फोकस करने से। सो इसलिए हम घर ही शिफ्ट कर लेंगे, घर पे ही अपना वीडियो बना करेंगे दबा के, डेली वीडियो, डेली व्लॉग, डेली व्लॉग नहीं, डेली स्टोरीज, स्टोरीज विद पचौरी, स्टोरी विद पचौरी, स्टोरी विद पचौरी के एपिसोड्स दबा के एपिसोड। क्योंकि यार दिमाग में आदमी का बहुत चलता है कि हम शेयर करें, लेकिन कर नहीं पाता है ना, तो वही वाली बात है।